गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर्स एंजल। सो आज मैंने ये जानवी कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है। मैं कोई भी मेकअप लुक करती हूँ, आप लोग मुझे बोलते हैं मैं जानवी की तरह दिखती हूँ। सो यस, ये है आप सबके लिए। सो अगर आपको जानना हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टूडियो वेस्ट का मरीन हाइड्रा क्वेंच लोशन। ये एक्चुअली जो बोलता है वो वैसा ही परफॉर्म करता है, आपके फेस पर एकदम हाइड्रेशन दे देता है, पूरा आपकी फेस हाइड्रेटेड फील करती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये। मैंने वेबसाइट से लिया है, आपको स्टूडियो वेस्ट के प्रोडक्ट्स वहीं पर मिलते हैं। सो क्योंकि अब समर आ ही गया है तो अब हम कोई ज़्यादा लेयर्स में लगाऊंगी नहीं सीरम एंड ऑल, सो डायरेक्टली मैं लगाऊंगी प्राइमर। ये स्विस ब्यूटी मेकअप प्राइमर ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस। ये एकदम वॉटरी बेस्ड है, लाइक जेली बेस्ड है, आप देख सकते हो। इट्स नॉट अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सो इसे अपने टी जोन एरिया एंड सारे यूजुअल एरियाज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 फाउंडेशन इन द शेड NC20। एंड ये एक मेकअप प्रोडक्ट है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पैसा, लाइक यही मेरा सबसे महंगा प्रोडक्ट है। एंड बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इसको लगाने के बाद आपकी फेस एकदम फ्लॉलेस हो जाती है, प्लस ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है ये। सो मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर जो 50 रुपीज़ का है उससे ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने ब्यूटी सेंटर से लाया था। सो या आंटी मेरी बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा फिनिश हो जाता है, आप अपना चेहरा बहुत अलग दिखने लगता है इसको लगाने के बाद। सो ऑफकोर्स इट्स अ फाउंडेशन, सो वही अपना काम करता है। सो या मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं जानवी कपूर की तरह, कोई भी मेकअप लुक, लाइक आलिया की हो, करीना की हो, दीपिका की हो, आप लोग बोलते हैं मैं जानवी कपूर की तरह दिखते हो। तो मैंने बोला चलो फाइनली उनका ही बना ही लेते हैं अब हम। सो नेक्स्ट मैं करूँगी मेरा स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो पैलेट यूज़। उससे मैं वो जो सिक्स्थ शेड है वो यूज़ कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अंडर आइज़ पर डार्क कर लूँगी, बिकॉज मेरी अंडर आइज़ थोड़ी सी डार्क है, आजकल डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गया है। सो यस, मैं उसे कवर अप कर लूँगी, कवर स्टूडियो है तो कवर करने के लिए है वो। सो या एंड आप सब गाइज बताओ कि आप सबको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहा है एंड आप मुझे कितना रेट दोगे इस मेकअप लुक के लिए। फिर वो जो शेड है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रश पर ले रही हूँ, उसे कॉन्ट्रोलिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। सो क्योंकि अभी लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको वो कॉन्ट्रोल शेड दिख नहीं रहा है, बट एकदम स्लाइटली दिख रहा है येलोइश, बट वो एकदम अच्छा कॉन्ट्रोल शेड है एंड बहुत ब्यूटीफुल आपको स्कल्प दे देता है आपके फेस पर। सो मैं हर जगह पे कॉन्ट्रोल लगा लूँगी, लाइक यूजुअल एरियाज पर, जैसे जॉ लाइन पर, अपने नोज़ पर एंड अपने कॉन्ट्रोल लाइन पर सब ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इस सबको अच्छे से पाउडर से सेट कर लूँगी, बिकॉज ये सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं और हम इसे अगर सेट नहीं करेंगे तो ये क्रीज होने लगेगा एंड बहुत अच्छा लुक नहीं देगा वो। सो इसीलिए तो मैंने अपना हेयर स्टाइल ऑलरेडी बना लिया है, आप देख सकते हो बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है ये। सो मैं इसे मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी, दिस इज इन द शेड 230 नेचुरल बफ, एंड अपनी अंडर आइज पर प्लस टी जोन एरिया को सेट कर लूँगी, बिकॉज मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ भी कंसीलर लगाया था। सो ये एक्चुअली मेरे आंटी का ब्लाउज है, सो मैंने देखा तो मैंने बोला ओ मैंने जानवी का ऐसे एक लुक देखा है तो लेट्स क्रिएट दिस मेकअप लुक। सो मैंने सिर्फ ब्लाउज पहना और नीचे मेरा पैंट है, बिकॉज ऑफकोर्स हम हाफ ही देखते हैं। और ये है मार्स का हाइलाइटर एंड कॉन्ट्रोल पैलेट, ये सिर्फ 160 रुपीज़ में है। वो जो ब्राउनिश शेड है उससे मैं अच्छे से कॉन्ट्रोल, ओ इट्स लुकिंग टू पैची, तो इसलिए मैं इस साइड पर पहले अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन वो साइड पर उसे फिर से ब्लेंड कर लूँगी। सो बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड भी हो जाता है, चौकी पैची बिल्कुल भी नहीं दिखता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो एक्चुअली कल मैंने ये मेकअप लुक का एक फोटो डाला था मेरी कम्युनिटी टैब पर और आप सबसे पूछा था कि किसका इंस्पायर्ड लुक हो सकता है। मोस्ट ऑफ लोगों ने यही बोला कि ये जानवी कपूर की तरह आप दिख रहे हो, जानवी का इंस्पायर्ड लुक है। सो आई वॉज रियली अमेज टू सी कि वाह सब लोग पहचान ले रहे हैं। सो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, आप जिसका इंस्पायर्ड लुक करो और अगर सब पहचान लेके उनका है तो दैट मीन्स आपने ऑलमोस्ट सिमिलर ही किया है। सो या मैं यूजुअल एरियाज में लगा लूँगी। सो इट वॉज़ अ रियली वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। दिस इज़ मेबेलिन कलर शो ब्लश, आई गेस ये डिसकंटिन्यू हो गया है इनका मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग। सो ये शेड है पीची स्वीटी, तो मैंने आपको दूसरा प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप सब चेक कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा स्कल्प्ट एंड कॉन्ट्रोल पैलेट, वो मिडिल शेड हाईलाइटिंग शेड लेकर मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। एंड ओ माई गॉड, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए ये था कि मैं शाम में लाइक अराउंड 5 o'clock बैठी थी शूट करने के लिए, और मैं हमेशा नेचुरल लाइट में ही शूट करती हूँ। सो लाइट वॉज चेंजिंग सो मच, आप देख सकते हो पूरा येलो लाइट, ऑरेंज लाइट एंड देन डल हो रहा था, इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट।
बट देन ये लुक मुझे डालना था सो या दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट अप. ये है जीना ग्लैम का आई शैडो पैलेट, दिस इज़ इन द नंबर 2. एंड या गए सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं कौन से शेड यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो आप भी ऐसा मेकअप लुक कर सकते हो. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे पास जो आई शैडो पैलेट्स है या फिर जो प्रोडक्ट्स है वो आपके पास भी होने चाहिए. आपके पास जो है आप उससे थोड़ा मैच करके आप यूज़ कर सकते हो एंड ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. सो यस, ये मेकअप लुक में सबसे ज़्यादा बस उनका आईज पॉप अप हो रहा है, लाइक शी इज़ अप्लाइड ब्यूटीफुल काजल एंड एवरीथिंग एंड स्मज्ड इट आउट. सो मैं स्टूडियो वेस्ट का काजल यूज़ करूँगी एंड एज यूजल अपने लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी. सो एक्चुअली मुझे मेकअप लुक जिसमें काजल यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं या सो इसलिए मुझे ये सब क्रिएट करना अच्छे लगते हैं. सो आप मुझे बताओ कि आप और कौन से सेलिब्रिटीज़ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक देखना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके. वही सब सेम शेड्स लेकर मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी स्मज कर लूँगी. एंड गाइज इट इज़ सो डिफिकल्ट टू वॉइस ओवर टुडे बिकॉज घर में सब लोग भरे हुए हैं, इतना बड़बड़ बड़बड़ चालू है, मैं क्या बोलूँ. सो मैं काजल को ही एज अ आई लाइनर लगा लूँगी एंड जैसे अपने नॉर्मल आई शेप पर ही लगाना है, ज़्यादा आपको थिक या फिर थिन नहीं करना. एंड वही ब्रश से मैं उसे अच्छे से आई शेडो लेकर ब्लेंड कर लूँगी. सो मैं इनर कॉर्नर्स पे ब्राउन पे हाईलाइटर लगा रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मे बी लैश सेंसेशनल मस्कारा, फुल फैन इफेक्ट है ये एंड बहुत अच्छा मस्कारा है, आपके लैशेस को अच्छा वॉल्यूम प्लस थोड़ा सा लेंथ देता है. सो जानवी इज़ हैविंग रियली ब्राउन पिंक क्लिप्स इन दिस मेकअप लुक. सो मैं यूज़ करने वाली हूँ फेसेस का अल्ट्रा एंड प्रो स्पाइस लाटे में है ये शेड एंड इसके बाद नायका पेन स्टिक्स का 04 शेड है, पिंकी पीची कलर है ये. सो दोनों मिक्स करके मैं अपना परफेक्ट शेड बना लूँगी. एंड या गाइस दिस इज़ हाउ माई लुक इज. आप देख सकते हो ज्वेलरी, आपने पूछा ये ज्वेलरी मैंने कहाँ से लिया, एक्चुअली मैंने दो ज्वेलरी इसको कंबाइन करके वेयर किया है. सो जो क्योंकि जानवी में ग्रीन कलर के भी है उसमें कलर, मेरे पास नहीं था सिर्फ ये गोल्डन था, तो मैंने ग्रीन कलर का इयर रिंग को उसमें मिक्स कर दिया है, लाइक ऐसे उसके लगा लिया है और मैं उसे वेयर कर लूँगी. ओ माई गॉड इट वॉज टू हैवी गाइज, टू हैवी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल बटन. बाय बाय.